हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फूडी सिस्टर। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सिर्फ आपके लिए मैंने ये साउंड एडिटिंग नहीं किया है, जस्ट टू शो यू दैट ये कितना क्रिस्पी और क्रंची है। ये दिस आर द स्पेशल आइटम्स फॉर द क्रिसमस। और हम लोग बहुत जल्दी केक भी ऐड डालेंगे, वीडियो केक का वीडियो, बट यू हैव टू कीप लिटिल बिट पेशेंस। हमने चकली, रोस्ट कुकीज़ एंड गलगला बनाए हैं। दिस आर द फेमस फॉर द क्रिसमस। तो चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। फर्स्ट हम रोस्ट कुकीज़ बनाएंगे। रोस्ट कुकीज़ के लिए हम लोग मैदा लेंगे 1.5 कप। देन वी विल ऐड आइसिंग शुगर इन दिस। आइसिंग शुगर का मतलब ये है जो शुगर होता है हमने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था और उसका पाउडर कर लिया था, वो ऐड करेंगे 1/2 कप। देन वी विल ऐड ब्लैक तिल। बहुत से लोग चावल यूज़ करते हैं, चावल का आटा, बट हम चावल का आटा यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाएंगे हम लोग रोज कुकीज़। देन वी विल ऐड 1 egg एंड 1 full spoon ऑफ ऑयल। ऑयल इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो क्रंचनेस होती है रोज कुकीज़ में वो रहेगी अगर आप ज़्यादा दिन स्टोर करना चाहते हो तो। और फिर हम इसमें पानी ऐड करके धीरे धीरे इसका पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा, उतना ज़्यादा पेस्ट मत कीजिए। मैं दिखाऊंगी आपको कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें, कितना लिक्विड चाहिए हमें। सी, नाउ दिस इज़ डन। देन वी विल ऐड वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है एंड द टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज ऑफ दैट। बहुत अच्छी होती है ना उसकी स्मेल। सो सी द कंसिस्टेंसी कि हमें कितना लिक्विडी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। देन हम पैन में तेल गरम करेंगे और जो रोज़ कुकी का मोल्ड होता है वो नॉर्मली मार्केट में आराम से मिल जाएगा आपको, या फिर आप अमेज़ॉन में भी मंगा सकते हैं। वो तेल में डाल के अच्छे से हीट कर लीजिए। एक बार हीट होने के बाद जो हमने लिक्विड बनाया था रोज़ कुकी का, उसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा गर्म या फिर कंप्लीट कम मत रखिए, मीडियम फ्लेम में रखिए। और आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि खुद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा वो जो मोल्ड होता है उसमें से छूट जाएगा एंड वी जस्ट नीड गोल्डनिश ब्राउन। एंड ये इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी होता है कि देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हमें घर में कितना अच्छे से रोज़ कुकीज़ बन जाते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप कंप्लीट देखिए। अगर आप कंप्लीट और मेथड फॉलो करेंगे तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह आपके रोज़ कुकीज़ एंड दूसरे जो फूड आइटम्स हम लोग डालते हैं, प्लीज़ आप फॉलो कीजिए हर ईच एंड एवरी स्टेप। देखिए हमारा रोज़ कुकी धीरे धीरे कैसे छूट गया। सी, नाउ दिस इज़ डन। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे गलगला। एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम लोग बटर ऐड करेंगे। क्यूब्स के शेप में काटा हुआ है बटर हमने। देन वी विल ऐड 1 full cup ऑफ शुगर इन दिस एंड 1 cup ऑफ मिल्क। और हम इसे स्टोव पे रख देंगे जब तक मेल्टेड बटर मेल्ट ना हो और शुगर अच्छी तरह से मेल्ट ना हो, तब तक अच्छे से पका लीजिए इसको। तो हम ये गलगले को का डो बनाने के लिए यूज़ करेंगे। लोग गलगले को गुलगुला भी बोलते हैं। आई नो इट्स साउंडिंग वियर्ड पर इसे ये लोग बोलते हैं। देन वी विल टेक अ बाउल और इसमें मैदा ऐड करेंगे। इसके अंदर हम 1 full cup 2 cup ऑफ मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद हम नॉर्मल सोडा और बेकिंग सोडा दो भी ऐड करेंगे। सिर्फ पिंच ऐड कीजिए, ज़्यादा मत ऐड कीजिए। ये बहुत माउथ वाटरिंग है, जब आप टंग पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिजॉल्व हो जाएगा, उतना अच्छा है ये। आप ट्राई करके देखिए। देन वी विल ऐड 1 full spoon ऑफ ऑयल इन दिस एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम वेनिला एसेंस डालेंगे। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक वेनिला एसेंस, इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा होता है। बिना पानी के इस्तेमाल के हमने जो हमने बटर, शुगर और मिल्क का जो हमने लिक्विड बनाया था उससे हम डो बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह डो बना लीजिए, जैसे रोटी काटे का डो होता है बिल्कुल उसी तरह बना के एक 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट्स रख दीजिए आप लिड बंद करके इसको एक साइड। आफ्टर 20 मिनट्स आप फोक ले लीजिए। फोक के हेल्प से हम इसका एक शेप देंगे, पर बहुत से लोग कोम से भी देते हैं, बट आई डोंट फील इट लाइक हाइजीन, सो मैंने फोक यूज़ किया है। देखिए फोक की हेल्प से हम लोग आटा इसके ऊपर ऐसे रखेंगे एंड वी विल गिव अ जस्ट हल्के से टर्न दे दीजिए एंड द शेप इज़ रेडी। तो आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से ये शेप बनकर आया है करके। देखिए इतने कम आटे में बहुत सारे गलगले बन जाते हैं, विच इज़ फेमस फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के लिए ये सब फेमस होता है, रोज़ कुकीज़, दिस, चकली एंड ऑल। और केक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वी विल शो। थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको केक का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, तभी हम केक का वीडियो ऐड करेंगे।
अपलोड करेंगे। देन हम तेल में, गरम तेल में गलगले ऐड कर देंगे धीरे धीरे से, और इसे गोल्डनिश ब्राउन कर देंगे। अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए या कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, देन वी विल श्योरली आपको जो वीडियोस पसंद है हम ज़रूर से अपलोड करेंगे। एंड जल्दी से जल्दी हमें 1000 सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे व्यूज़ दे दीजिए, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग हमारा वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ रेडी, और हम इसे बाहर काट लेंगे। सी, यू कैन सी द कलर यार, कितना अच्छे से आ चुका है। नाउ दिस इज़ डन। फिर नेक्स्ट अब हम चकली बनाएंगे। चकली के लिए एक बाउल लेंगे और फिर इसमें हाफ अ कप ऑफ पुटाने का आटा ऐड करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि पुटाने का आटा क्या है करके, एंड इसे इंग्लिश में स्प्राउट फ्लोर भी बोलते हैं। देन वी विल ऐड 1-2 कप ऑफ राइस पाउडर। अगर आपके पास राइस फ्लोर ना हो तो आप मिक्सी में भी मार सकते हैं, जो नॉर्मल चावल होते हैं उसे अच्छे से मिक्सी में मार के, उसे जल्दी मार के आप यूज़ कर सकते हैं। देन वी विल ऐड बटर। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। देन वी विल ऐड अजवाइन इन दिस, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, एंड फिर मिर्ची काटा ऐड करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अब हम इसमें वाइट तिल, सॉल्ट और हिंग ऐड करेंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसका डो बना लेंगे। फर्स्ट आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए बिना पानी ऐड करे, फिर अब हम इसमें पानी ऐड करके इसका डो बना लेंगे। सेम जस्ट लाइक आप जो चपाती को डो बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसे कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि जब हम शेप दे रहे हैं जो चकली का जो इक्विपमेंट होता है उसे, उसके अंदर हम डाल के डो और उसका शेप देंगे हम लोग, वो भी दिखाऊंगी कि आपको कहाँ मिलेगा करके। सी बिल्कुल इसी तरह चाहिए हमें। सी दिस इज़ कॉल्ड पुटाने का आटा। अगर आपके पास पुटाने का आटा ना हो तो आप बेसन का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आटे को दिखाऊंगी आपको, देखिए बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए आपका आटा। एंड ये चकली मेकर है, अगर आप कहीं भी शॉप्स, नॉर्मल शॉप्स या मार्केट को जाएंगे तो ये आराम से मिल जाएगा, या फिर अमेज़ोन में भी मिल जाएगा। इसके हेल्प से हम चकली बना लेंगे। तो देखिए इवन दिस इज़ रेडी, कितना अच्छे से कर रहे हैं। सिर्फ आपको वो जो ऊपर से हुक होता है उसे रोटेट करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट योर नॉर्मल शेप चकली का। आप इसे अच्छे से स्टोर करिए तो आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, या फिर स्नैक्स टाइम भी खा सकते हैं। रोज़ कुकीज़, गलगला, चकली, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से लिड बंद करके रखेंगे तो ये बहुत दिन काम आएंगे, ऑलमोस्ट 1 month के लिए भी ये स्टोर कर सकते हैं। सी नाउ, वाव यार, देखिए कितना अच्छे से आ चुका है ये। एंड इसी तरह सारे कर लीजिए आप। फिर हम लोग पैन रखेंगे, उसके अंदर तेल गरम करने के लिए रख देंगे। लुक हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग। और धीरे धीरे से इसे ऐड करके हम लोग तेल में गोल्डन कर लेंगे, गोल्डनिश ब्राउन। उतना जला मत दीजिए वरना वो कसालापन आ जाएगा आपके मुँह में, तो आप सिर्फ गोल्डनिश ब्राउन कीजिए, ज़्यादा मत फ्राई कर दीजिए। देखिए हमारा कैसा ये टर्न हो रहा है कलर इसका, इसमें पता चल रहेगा आपको कि ये पक रहा है करके। एक एक बार क्या होता है, अंदर कच्चा रह जाता है एंड बाहर से वो ब्राउनिश कलर आ जाएगा, तो आप मीडियम फ्लेम में कर दीजिए। एंड सी नाउ दिस इज़ रेडी। कितने सारे सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने कितना कुछ बना लिया। तो आप हमारे वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और स्टेप फॉलो कीजिए। नाउ दिस इज़ रेडी टू सर्व। तो चलिए प्लेटिंग कर देते हैं, एंड हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच, आप सबको मैरी क्रिसमस एंड ये न्यू ईयर, आपको बहुत ढेर सारी खुशियां, और हमारा चैनल अच्छे से अच्छा बहुत ऊंचाई तक पहुँचे, प्रे कीजिए। थैंक यू सो मच।